अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती होंगे ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और दूसरों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ बिखेरते रहें। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, आखिर तक क्लास में देखिएगा, हो सकता है कि आपकी नॉलेज में कोई इजाफा कर सके। तो ये जी मैं बनाने जा रही थी एक ऑर्गेनाइज़र जो मुझे ज़रूरत था, तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था कार्डबोर्ड, तो मैं इसके जो है इसको यूटिलाइज़ कर एक ऑर्गेनाइज़र बनाने लगी हूँ। तो मैंने कहा चलें आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, बहुत ही अच्छा है, तो आखिर तक लास्ट में देखिएगा। तो जी ये मैंने एक बॉक्स था मेरे पास पड़ा हुआ, तो मैंने इसको कटिंग वगैरह करके, तो ये देखिए जी अंदर मैंने ये एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड्स इसके अटैच कर दिए हैं, और ताकि ये जब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा अगर वेट भी डालूँ तो ये बेंट ना हो साइड से। और मिड में भी ये देखिए जी मैंने थर्मापॉल शीट लगा दी है, अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा वेट भी डाल लेती हूँ तो इसका ऊपर वाला भी कार्डबोर्ड जो है वो बेंट ना हो। वैसे तो हम ये जो कार्डबोर्ड होते हैं इनको अक्सर हम डस्टबिन में ही थ्रो कर देते हैं, तो मैंने सोचा चले मैं आज इसको यूटिलाइज़ करती हूँ। और वाकई ही यूटिलाइज़ करके आप काफ़ी सारी घर की चीज़ें जो है इससे बना सकते हैं। तो मार्केट से लेने से बेहतर है कि आप लोग खुद घर में बनाएं, खुद ट्राई करें। ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र तो हम खुद बना ही सकते हैं। तो जी मैं अब इसके ऊपर कवर करने जा रही थी। इसके ऊपर वैसे तो जो है ना वो गिफ्ट पेपर वगैरह कुछ ऐसी शीट वगैरह चढ़ा सकते हैं, तो मैंने जो है इस बार कपड़ा ट्राई किया। मैंने कहा चलो कपड़े से अच्छी लुक आती है तो ये ट्राई करते हैं, और वाकई ही बहुत अच्छी लुक आ रही थी। आप इस पर जो है ना कोई फ्लावर वाला कपड़ा या कोई कार्टून्स वगैरह, कोई डॉलीज वगैरह, जैसे बच्चों के रूम के लिए ऑर्गेनाइज़र बनाना है तो फिर उसके लिए तो कार्टून्स वगैरह कुछ ऐसे कपड़ा वगैरह चाहिए होगा, तो आप किसी भी किस्म का इसके ऊपर कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो रेशमी हो, चाहे वो लॉन हो, चाहे वो कॉटन हो, किसी भी तरह का कपड़ा आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो जी ये मैंने सारा जो कपड़ा इसके ऊपर लगा दिया था। अच्छा, नीचे वाली साइड पे मैंने नहीं लगाया इसके, तो अगर आप चाहें तो इसको नीचे वाली साइड से भी कवर करने के लिए पूरा इसको कपड़े से रैप कर सकते हैं, या अगर आपने शीट इस्तेमाल करनी है तो किसी भी गिफ्ट पेपर शीट वगैरह से इसको रैप कर सकते हैं। तो जी मैं इसको कर रही थी, ये कपड़ा भी अगर आपने इसके ऊपर लगाना है, उसकी भी अगर आप अच्छी बॉन्डिंग चाहते हैं कि वो अच्छे से स्ट्रॉन्गली जो है वो उसके साथ जुड़ जाए, तो आप ये ग्लू गन का ही इस्तेमाल करें। तो मैं आपको बार बार इस वजह से ये रेकमेंड कर रही हूँ क्योंकि ग्लू गन बहुत अच्छी होती है और इसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो जी मैंने इसके ऊपर कपड़ा सारा ये लगा दिया था, और अभी मैं आपको ये सीधा करके दिखाऊंगी। बड़ा अच्छा इसके ऊपर लग रहा है, बहुत अच्छी सी इसकी लुक आ रही है। तो ये देखिए जी मैंने इसको प्रॉपरली रेडी कर दिया था। ये जूट लेकर, ये जूट होती है एक, तो मैंने इसके ऊपर ये डिज़ाइन बना दिया है। आप चाहे तो वो वाली फ्रंट साइड रख सकते हैं, आप चाहे तो ये वाली फ्रंट साइड रख सकते हैं, जो आपका दिल करे आप फ्रंट रख सकते हैं। तो मैंने तो ये इसको माइक्रोवेव के ऊपर ये मेडिसिन के लिए यूज़ किया है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।